देखिए औरों के पास तो विजन है ही नहीं जी। यहाँ बिना विधायक बने भी जो रमेश दलाल ने काम करवाए हैं वो मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री नहीं करवा पाते। बिल्कुल। और रमेश दलाल जो बोलता है सबको पता है वो करता है। 1005 साल में मिनिमम सरकारी नौकरी की गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। रमेश दलाल तीनों पे भारी। रमेश दलाल अब की बारी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि कई दिनों से जो टिकटमबाजी का दौर चला हुआ था करीबन वो 90% वो दौर खत्म हो चुका है। अभी बारी अभी जो प्रत्याशी जिन्होंने ताल ठोक रखी है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से एडी से लेकर के चोटी तक की, चाहे वो प्रत्येक पार्टी की बात करें या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगाए हुए है। फिलहाल बहादुरगढ़ विधानसभा इस वक्त हमारी टीम मौजूद और किसान नेता रमेश दलाल निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने ऑफिस में बैठे हैं। बातचीत भी की थी कि सर लगभग 10 से 15 जो मिनट का जो समय है वो हमें दीजिएगा। दलाल साहब, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका, राम राम। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैं दलाल खाप के बेटे हैं, विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़ के अंदर है। दलाल खाप के अंतर्गत करीबन 60,000 जो मत है वो आते हैं, तो देखते हैं भाई। एक तरफ तो जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस की बात करें, फिर बीजेपी की बात करें या फिर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और विजन क्या रहेगा? दलाल साहब, बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, उनकी नींद उड़ा रखी है। भाई किसान का जो बेटा है, किसान का बेटा चुनाव लड़ने जा रहा, बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता, उनकी नींद उड़ी हुई है। देखिए, हम चुनाव किसी की नींद उड़ाने के लिए नहीं लड़ रहे जी। हम जाग रहे हैं, और नींद से कोई जागे तो अच्छी बात है जी। आपको मालूम है कि रमेश दलाल जितने किसान आंदोलन और दूसरे मुद्दों पर भी, व्यापारियों के भी जी, वो देश में, हिंदुस्तान में किसी नहीं लड़े। 55 से ज्यादा आंदोलन लड़े, सफलता अर्जित की। बिल्कुल। आप दलाल खाप 84, जिसमें दूसरे गोत्र भी शामिल है, दलाल खाप की तो सबसे ज्यादा वोट है जो आप बता रहे थे, लेकिन और भी बहादुर में गोत्र शामिल है। 36 बरादरी ने खाप की तरफ से पहली बार उम्मीदवार घोषित किया है। बिल्कुल। कई बार मैं भी चुनाव लड़ा तो खाप ने अपना उम्मीदवार विधिवत रूप से हमारे प्रधान भूप सिंह दलाल की अध्यक्षता में, प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह दलाल और हमारे दलाल खाप के सचिव दयाराम और सभी सरपंच, पंच, पूरा सरपंच सब ने मिलकर 36 बिरादरी ने ये टिकट दिया है। और ये चुनाव रमेश दलाल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दलाल खाप 84 लड़ रही है, और वो भी सरोज समाज की मदद से, ब्राह्मण से बाल्मीक सबके सहयोग से। बिल्कुल, 36 बिरादरी का सहयोग रहेगा। दलाल साहब, विजन क्या है बहादुरगढ़ के लिए, क्योंकि राजनीति के मैदान में आप कूद चुके हैं, तो विजन क्या रहेगा आपका? देखिए, औरों के पास तो विजन है ही नहीं जी। यहाँ बिना विधायक बने भी जो रमेश दलाल ने काम करवाए हैं वो मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री नहीं करवा पाते। बिल्कुल। उदाहरण के रूप में, जब यहाँ जमीन अधिग्रहण होता था उसका कई गुना मुआवजा मैंने बढ़वाया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मंत्री के खुद के जमीन जा रही है वो भी रमेश दलाल ने मुआवजे बढ़वाए, दूसरे इलाकों में भी। अब रेलवे मेट्रो का विस्तार हमारे यही भादुड़ सेक्टर 6 तक है जी। इसको मैंने आसोदा तक करवा दिया, जब मेरे आंदोलन था उसमें ही ये घोषणा सरकार को दबाव में करनी पड़ी जी। और वो पहली बार ग्रीन एरिया जा रही जंगल के एरिया से, जबकि दिल्ली में कहीं पर भी चारों तरफ NCR में विस्तार हुआ मेट्रो रेल का, तो ऐसे नहीं हुआ। जहाँ आबादी घनी हो गई वही हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। उससे किसानों के रेट बढ़े और व्यापारियों का फायदा हुआ। हमारे रोहतक के सापला के व्यापारी भी वो KMP से चारों तरफ से खरखोदा से आके और यहाँ से मेट्रो पकड़ के और दिल्ली में पहुँच जा करेंगे। उसके अतिरिक्त मैंने रोड भी कई मंजूर करवाए जी, स्टेडियमों के भी पैसे दिलवाए। हमारे भादुगढ़ में एक दुर्भाग्य है, या तो अनपढ़ जी या पहलवान कुश्ती के अखाड़े में तो ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो लोग विधानसभा में बोलते नहीं। हरद्वाई लाल जो मेरे दादाजी थे दलाल खाप के, उसके बाद एक भी विधायक 55 साल में बहादुर से ऐसा नहीं पहुँचा जो बहादुर की आवाज़ बने या हरियाणा की बने, जबकि रमेश दलाल में देख रहे हैं कि वो बहादुर से बनेगा
लेकिन वो पूरे हरियाणा की आवाज़ बनेगा। तो यहाँ पर व्यापारियों को धमकी, उनसे वसूली की जाती है, मर्डर होते हैं, असुरक्षा है, तो रमेश दलाली सुरक्षा दे सकता है। दूसरा, ये पढ़े लिखे नहीं है मेरे जितने, और इनके कोई संघर्ष नहीं है। तो रमेश दलाल बना तो पहला तो उसने घोषणा की कि हमारे लाइन पार का जो क्षेत्र है उसमें आधी से ज़्यादा वोट इधर ही है, वहाँ का ग्रेटर भादुगढ़ के रूप में विस्तार करवाना, वहाँ के रोड भी निकलवाना और नए ढंग से नक्शा बनवा के सेक्टर डेवलप करवाना, ताकि उनका इधर के रेट तो 10 करोड़ है और उधर के रेट जो है ना 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना अंतर हो गया, तो उसको ठीक करना। उसके अतिरिक्त यहाँ पर शिक्षण संस्थान लेके आना, और रमेश दलाल जो बोलता है सबको पता है वो करता है। 1005 साल में मिनिमम सरकारी नौकरी की गारंटी देता हूँ, बिल्कुल, चाहे ऊपर में 5000 ले जाऊँ, और कम से कम 10000 निजी कंपनियों में नौकरी, और इसको गुड़गांव से आगे लेके जाना, गुड़गांव पंचकुला से आगे लेके जाना, ये रमेश दलाल का विजन है और रमेश दलाल ही कर सकता है। क्योंकि जो बाकी चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अपने एक गांव के 3 उम्मीदवार, एक बीजेपी का, एक निर्दलीय है और एक कांग्रेस का, छोटा गांव है, गांव मेरे लिए भी सम्मानित है, लेकिन उस गांव में ही रोड नहीं बना हुआ, पानी में से जाना पड़ता है, और हमारे 4 विधायक का कांग्रेस के जज्जर में, और एक रोड जा रहा है बहादुर से जज्जर, उस पर चारों का क्षेत्र पड़ता है, पहले बहादुरगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, फिर बेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव पड़ते हैं, फिर बादली, फिर जज्जर, वो एक रोड नहीं बनवा पाए 10 साल में। और रमेश दलाल मुआवजे भी दिलवाता है, रोड भी बनवाता है, मेट्रो का विस्तार भी करता है, और मैंने बिना विधायक रहे भी, ऐसे बीच बीच में आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जो मैं उनको रोजगार की मदद करता हूँ सरकारी नौकरियों में। बिल्कुल भाई, देखो भाई, इस बात में कोई दोराई नहीं है, किसानों के जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ रमेश दलाल अपनी जी जान की बाजी लगा देते हैं। मुझे याद है कि करीबन करीबन आज से 5 साल पहले से, जो पहले वाला जो विधानसभा चुनाव था, मेरी मुलाकात रमेश दलाल से जुलाना क्षेत्र में हुई थी, वहाँ पर किसानों के मुआवजे के लिए दलाल साहब आंदोलन कर रहे थे। दलाल साहब 5 साल पहले वहाँ पर आंदोलन करने भी लग रहे थे, लेकिन फिर भी राजनीति में कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आप तो, आपने तो PhD कर रखी है राजनीति में, आपको मास्टर माने जाते हो राजनीति, क्योंकि आप यहाँ यहाँ के नेता नहीं, आप पूरे हरियाणा के नेता माने जाते हैं, क्योंकि एक तरफ है नेशनल पार्टियाँ हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी है, BJP का प्रत्याशी है, एक तरफ आप खाप के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, कैसे टक्कर उन पार्टियों को आप दे पाएंगे? निर्दलीय बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपने करना पड़ेगा। नहीं, अब की बार क्या है, एक गाँव के 3 खड़े हैं जी, और वो गांव तो मेरे लिए उनसे ज्यादा प्रिय है जी। अब गांव क्या करे, एक ही गांव से 3 खड़े हैं और उनकी 4000 वोट है या 60000 वोट है जी, हमारी काप की। तो एक बात को आप समझ लें कि अब की बार जी रमेश दलाल तीनों पर भारी, तीनों पर, ये नारा आपका, हाँ, रमेश दलाल तीनों पर भारी जी, रमेश दलाल अब की बारी, अब की बारी। तो अब की बार लोगों का एक मन बन चुका है कि पार्टियां देख ली, विधायक काम नहीं करता। कांग्रेस से भी आपने प्रयास किया था, वो जो लिस्ट थी कांग्रेस ने कहा था कि मेरिट के आधार पर हम अब की बार जो टिकटों का वितरण करेंगे, उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वो लिस्ट हमारे सामने आई थी। देखिए, 10 साल कौन लड़ा, रमेश दलाल, बिल्कुल, फिर बाद में किसान आंदोलन में और कौन लड़े, हमारे भाई गुरनाम चुडनी जी, किसान नेता, किसान लड़े, अब कांग्रेस के नेता तो लड़े नहीं जी। तो BJP को गिराने का काम तो हमने किया, रमेश दलाल और दूसरे किसान नेताओं ने और जनता ने, बिल्कुल, और उसका लोकसभा में फायदा हमने दिया कांग्रेस को। अब कांग्रेस कहती थी कि हमारी मदद कर दो, हम आंदोलन करने वाले किसान नेताओं को टिकट देंगे, लेकिन एक भी किसान नेता को टिकट नहीं दिया, एक खिलाड़ी को दिया, अच्छी बात है, लेकिन किसान नेता को तो एक को भी नहीं दिया। सबसे बड़े आंदोलन तो किसानों के थे, और रमेश दलाल किसान आंदोलन में 55 आंदोलन 40 साल में पूरे उत्तरी भारत में नहीं, पूरे देश में, तो दूसरा ऐसा कोई चेहरा नहीं था। तो कांग्रेस ने किसानों का देश में सम्मान नहीं किया, हरियाणा में भी नहीं किया, इसलिए एक किसान की बात नहीं, सर्व समाज ने
व्यापारियों ने, मजदूरों ने, ब्राह्मण से बाल्मीकि सब ने मुझे मिल करके खड़ा किया। बिल्कुल, टाइम बहुत कम बचा है, आपको क्या लगता है कंप्लीट कर पाएंगे पूरा चुनावी कैंपेन? अरे मैं तो पहले ही हमेशा यही घूमता रहता हूँ। अच्छा, मेरे आंदोलन में सब जुड़े रहते हैं। वो तो उन्होंने देखना है जो पार्टी के नेता है, वो कवर नहीं कर पाएंगे। रमेश दलाल तो आपके माध्यम से आज ये कवर कर रहा है। बिल्कुल, कल आप मेरा नामांकन देखेंगे। मैं कल जनसैलाब उमड़े, कल नामांकन भर रहे हैं। 12 सितंबर को मैं नामांकन भर रहा हूँ। आज एक भाई ने भीड़ जुटाई, उसने बसों का प्रबंध कैसे किया है जी। और मैं कल कोई बस का प्रबंध नहीं कर रहा। मैंने अपील की है, अपने वाहन से, ट्रैक्टर से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से आओ, कल आप देखना। तो एक तरफ पैसे के माध्यम से भीड़ जुटाई हुई, एक तरफ अपने आप जो लोग चलकर आएंगे, कल आप 12 सितंबर को देखो मेरे नामांकन के समय लोगों का क्या हजूम लगता है। बिल्कुल, वो भी भाई साथ साथ में तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्या अपील, क्या संदेश रमेश दलाल ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो लाखों व्यक्ति जो जुड़े हुए हमारे साथ में, क्या अपील बहादुरगढ़ की जनता से करना चाहेंगे? देखो, बहादुर और पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र में जी, जो भी उम्मीदवार पैसे के बलबूते वोट खरीदने का काम करता है, उसको सबसे पहले नकार देना चाहिए। जो बहादुर में भी एक उम्मीदवार है जी, जो सिक्के बांट रहा है, चुंदड़ी बांट रहा है, मेरा भाई है वो, बहादुर का है, लेकिन इससे प्रजातंत्र कलंकित होता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले साइड में करो। और कांग्रेस का हमारा जो विधायक है, वो कई बार बना, वो घूमता ही नहीं, वो जानता ही नहीं लोगों को, ये सबको मालूम है। और भाजपा में वैसे ही भाई भाई में झगड़ा हो गया, तो अब की बार एक अवसर रमेश दलाल को देना चाहिए। और ये अवसर रमेश दलाल के लिए बहादुर की जनता से, संपूर्ण देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब तबके के लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल, चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, रमेश दलाल किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने चुनावी ताल ठोक रखे बहादुरगढ़ विधानसभा से। आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी, चुनावी निशान जो भी रहेगा, वो हम आपको लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ। बहादुरगढ़ से मैं जब भारद्वाज।